जल में हो जाएगा। मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरी छाती 56 इंच की है। भाई तुम्हारा छाती 56 इंच लेके क्या करना, हमको खाने के लिए अनाज होना, रहने के लिए पहनने के लिए कपड़े होना, सर पे छत होना, लोग ये चाहते हैं। तुम्हारी छाती देख के कौन काम करने वाला है? अब अगर आपको उतनी ख्वाहिश है अपनी छाती दिखाना तो किसी टेलर को बुला लो। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, कर्नाटका में बड़ी खबर निकल के आई है, जहां कर्नाटका में मतदान जारी। 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। मतदाताओं में दिख रहा युवाओं में खासा उत्साह। 12 बजे तक लगभग 35-33% के करीब मतदाताओं ने डाला अपना वोट। लेकिन इन सब के बीच भाजपा विधायक की उस वक्त बढ़ गई मुश्किलें जब वो वोट के बदले नोट दे रहे थे। कर्नाटका दक्षिणी में वोट भागते नजर आए बीजेपी विधायक। पैसे देकर जनता ने दौड़ाया, जमकर कूटा। दरअसल लगातार कर्नाटका में मतदान के बीच तमाम सर्वेज ने भाजपा की जहाँ एक तरफ मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं, तो वहीं कर्नाटका में बीजेपी के नेताओं को 40% के मुद्दे पर घेरना कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए जनता को दे दिया है। 40% वाली सरकार के खिलाफ जनता उग्र हो चुकी है। हालात ये हो चुके हैं कि भाजपा को वोट नहीं मिल रहे हैं। भाजपा को वोट लेने के बदले विधायकों को नोट खर्चने पड़ रहे हैं। नोट खर्चना क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब 40% सरकार है और 40% जनता से लूटा है, तो जनता भी अब उनकी सुनती नज़र नहीं आ रही है। इस वजह से जनता को वोट मांगते नजर आए। मामला यह है दक्षिणी कर्नाटका से। दक्षिणी कर्नाटका में आपको बता दें, वहाँ पर एक बीजेपी के नेता पैसे बांटते नजर आए, जहाँ जिसके मुताबिक दक्षिणी कर्नाटका जिले के बीजेपी विधायक के करीबी सहयोगी से पैसे बांटते हुए पुलिस ने उनको फिलहाल पहले लोगों ने पकड़ा। लोगों ने पकड़ने के बाद धुना, धुनने के बाद सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया और फिर अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है बीजेपी विधायक हरीश पूंजा के इशारे पर कई बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं दारू से लेकर चिकन मुर्गा तक पैसे से लेकर के सारी व्यवस्थाएँ जो है वो कराने में जुटे थे। आज क्योंकि मतदान हो रहा है, चुनाव आचार संहिता के साथ साथ कई ऐसी गाइडलाइन चुनाव आयोग की है जहां जो है वो पैसे बांटने के साथ साथ किसी भी तरीके से आप मतदाताओं को आज की डेट में जो है वो आप बरगला नहीं सकते हैं। लेकिन कर्नाटका में बीजेपी विधायक के इशारों पर जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही थी, जनता ने उनको पकड़ लिया और जनता ने जमकर कूट दिया। वीडियो भी सोशल मीडिया में कई वायरल हो गए हैं। इन सब के बीच आपको बता दें 224 सीटों पर 26-15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वैसे आपको बता दें, इस बार कर्नाटका में एक नया इतिहास ये बन गया है कि चुनाव से ठीक पहले अब तक पे सबसे ज़्यादा पैसे पकड़े गए हैं, यानी बांटने के लिए जो पैसे सीज किए गए हैं। कर्नाटका के इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस बार सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग ने कहा है कि पैसे जो है वो हमने लिए हैं। कर्नाटका में इस वक्त की जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, 12 बजे तक की जो सिचुएशन है वो लगभग 33% मतदान हो चुका है। युवाओं में खासा रुझान देखने को मिल रहा मतदाताओं को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने कहा है कि हम पूरी तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और हम मेजॉरिटी हमें मिलने जा रही है, हमें JDS का समर्थन नहीं चाहिए। उन्होंने 130+ सीटों के साथ सत्ता में वापसी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में जहां एक तरफ आक्रोश है, तो वहीं सीधे तौर पर कर्नाटका में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इस बीच आपको बता दें, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी दोनों ने ट्विटर के जरिए अपील की है। अपील क्या की है वो भी ज़रा सुन लीजिए। कर्नाटका ने 5 गारंटी गिनाई है। राहुल गांधी ने लिखा है, 5 गारंटी के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, युवाओं के रोज़गार के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, 40% कमीशन मुक्त, प्रगतिशील कर्नाटका का साथ में निर्माण करें। राहुल गांधी ने ट्वीट करके वोट फॉर कांग्रेस की अपील की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान देने की अपील की है। इसी बीच प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके इस सरकार तानाशाही सरकार के खिलाफ कहा, आज बिना चूके मतदान करें, बदलाव के लिए वोट करें, 40% वोट भ्रष्टाचार रोकने के लिए, महंगाई रोकने के लिए वोट करें, विकास की 5 गारंटी के लिए वोट करें, कर्नाटका की पहचान को बनाए रखने के लिए वोट मतदान करें, गरीबों को आराम से रहने के लिए वोट करें, कर्नाटका को सभी जातियों के लिए शांति का उद्यान बनाने के लिए मतदान करें। आपका एक वोट कर्नाटका का भविष्य तय करेगा, इसलिए मैं आपसे राज्य के विकास और प्रगति के लिए वोट का अनुरोध करता हूँ। इस तरीके से जो है उन्होंने ट्विटर के जरिए, प्रियंका गांधी ने भी, राहुल गांधी ने भी कांग्रेस वोट फॉर कांग्रेस के लिए अपील की है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से भाजपा कुटते और पिटते नज़र आ रहे हैं जगह जगह पे, ये अपने आप में उनके लिए सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का विषय है, क्योंकि कर्नाटका में प्रभावित करने की तो भरपूर कोशिश हुई लेकिन प्रभावित
कर नहीं पा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि कहीं भी कोई भी ईवीएम से लेकर किसी भी तरीके की समस्याएं होती हैं तो तत्काल ट्विटर के जरिए हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं। इस बीच अचानक खबर निकल के आई है, सुबह सुबह हंगामा तब मच गया उस वक्त जब ईवीएम में खराबी देखने को मिली है। कर्नाटक में तो 224 सीटों पर मतदान जारी है, तमाम विधानसभा हैं, लेकिन राज्य में जहां 5.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता, इनमें 11 लाख वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे, वहीं बेंगलुरु दक्षिणी के महादेवपुरा के मतदान केंद्र संख्या में 170 ईवीएम में तकनीकी की खराबी आ गई थी, जिसके बाद से वोट प्रभावित रहा, लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा, लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही जो है वो लोग जो है वो काफ़ी घबराए नज़र आए, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। इस बीच आपको बता दें, कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र की जीत और राज्य के भविष्य के लिए वोट करने की अपील किया है। ये वसवराव बोम्मई ने किया, जनता ने उनका भाई साहब 4.5 साल हमने भविष्य दिए, डकैती वाली सरकार के भविष्य हमने देख लिया है, कर्नाटका गर्त में जाएगा, ये डबल इंजन की सरकार नहीं लुटेरों की सरकार है। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्नाटका में जो सर्वे निकल के आए हैं, वैसे तो बीजेपी की मुश्किलें पहले ही खड़ी कर दी हैं, लेकिन अभी भी राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह भारतीय जनता पार्टी है, जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है भाई साहब जिन्होंने विरोध जताया है, और ईवीएम में कर्नाटका के यूज को लेकर भी उन्होंने बात कही है। ये हैं वैज्ञानिक गौहर राजा ने ईवीएम पर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि कर्नाटका में सारे सर्वे जो है वो फेल हो सकते हैं, जब साहब करेंगे ईवीएम का खेल तो कर्नाटका में हो जाएगा सारे सर्वे फेल। ये वैज्ञानिक गौहर राजा ने खुलासे किए हैं, और उन्हें बताया है कि ईवीएम में किस तरीके से तकनीकी खेल किया जाता है। सोशल मीडिया में सुबह से ही ईवीएम को लेकर के जो है वो घमासान है, ईवीएम को लेकर घमासान है, लोग कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि कर्नाटका वासियों की रात के लिए मतदान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव की बात है। भाजपा घर घर जाकर मुर्गा दारू और नोट बांट रही है, जहां से भाजपा को वोट नहीं मिलेगा वहां चांस रहेगा वहां ईवीएम बदलेगी, जहां 50-50 चांस रहेगा वहां पूरी तरीके से ईवीएम फॉल्ट किया जाएगा। ये सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और यही कारण है कि जो है वो सीधे तौर पर इस बार खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस पूरे चुनाव को जो है अपना चुनाव बना लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी हमारी हत्या कराना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी हम आप अपने भूमि पुत्र को मतदान करें, कांग्रेस को जिताएं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे तौर पर जो है उन्होंने इस बात को कहा और चुनाव कहा, हम जीतने जा रहे हैं, और जो जनता का जो रेला है वो साफ साफ दिख रहा है कि हमें साफ मैंडेट मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से हार होती दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हो। मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरी छाती 56 इंच की है। भाई तुम्हारा छाती 56 इंच लेके क्या करना, हमको खाने के लिए अनाज होना है, अपनी छाती दिखाना तो किसी टेलर को बुला लो, छाती का माप ले लो, या और नए जैकेट सिलाते जाओ, क्योंकि उन्होंने रोज एक जैकेट पहनते हैं, एक फंक्शन को एक जैकेट, रोज एक नहीं एक फंक्शन को एक, और ऊपर से कहते हैं मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे को सब लोग गालियां देते हैं, मैं पिछड़ा हूँ, हम क्या आगे वाले हैं क्या? और हमको ये कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, मेरे को गालियां दिए, मेरे को 91 टाइम्स गालियां दिए। अरे ये कहने की बात है, अरे आप प्रधानमंत्री हो, रो मत, आप सवाल का जवाब दो, उसके बजाय आप हमेशा रोते ही रहे, कभी बोलते हैं मैं बैकवर्ड हूं, कभी बोलते हैं मुझे गरीब आदमी को कोई सहन नहीं कर रहा, कभी ये बोलते हैं मैं एक छोटे से छोटे होटल बना के मैं आ गया। ये भाइयों बहनों, मैं इस भूमि का पुत्र हूं, मैं गुजराती हूं, गुजरात का पुत्र हूं, इसीलिए मुझे आप चुनना चाहिए, नहीं तो मेरी दिल्ली में बेइज्जती होती, क्योंकि गुजरात अगर हारता तो, ये उन्होंने कहा। अब वो बोले गुजरात का पुत्र है, वहां का भूमि पुत्र है,
तो मैं क्या कर्नाटक का पुत्र नहीं भूमिपुत्र? अरे जो हक तुम्हारे को है कहने का, मुझे भी वही है। मैं भी गुलबर्ग में पैदा हो गया हूं, मैं इसी का, मैं इस मट्टी का ही आदमी हूं, मैं भी भूमिपुत्र हूं। तो इस बार मोदी मेरे फेवर में प्रचार करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूं ना, उन्होंने वहां का भूमिपुत्र समझ के वोट मांगा था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक का भूमिपुत्र है, और झगड़ा चल रहा है मणिपुर में, यू नो, वोट मांग रहे यहां पर। अरे एक प्राइम मिनिस्टर, आप वोट के लिए यहां फिर रहे हो, तो मणिपुर में दंगे हो रहे, 54 लोग मर गए, कश्मीर में जवान मर गए, टेररिस्ट फिर शुरू हो गए, वो मणिपुर में वैसा ही चल रहा। लेकिन बहादुर यहां हर जगह 56 इंच छाती लेके घूम रहे। अरे देश के हिफाजत की बात करते हैं तो सिर्फ क्या वोट मांगने के लिए करते हैं? सिर्फ वोट के लिए आप यहां घूम रहे, गली गली घूम रहे हो, और वहां मणिपुर में नहीं जा रहे हो।